सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। क्या करें हो क्या सलीम चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डांटते, ला 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 ला। उफ़, चुप होता है या नहीं? हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, बॉल पकड़ो। मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाक दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मैडम आ जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे कि ठीक है, कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। ये! अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला। अम्मी, अम्मी, जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। अरे रुक तो। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। जी। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा।
मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वो तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मांझ चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वो अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गद देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। ये सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वो सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे। याद नहीं याद नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जी, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। जी। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि एक अन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहिबा, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। हाँ, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। हाँ। दोनों ने एक साथ कहा। कितनी बार कहो, टाइम से आया कर। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, क्या करूँ। ओहो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ओफो, आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। ये तसल्ली रखो अम्मी, बस एक ही दिन की तो बात है। अच्छा। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गईं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान
अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार। आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। अच्छा, मैं ओ! पहले तो भाई जान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली, दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप। सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वो सफेद वॉल की साड़ी पहनना। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। जी बेगम साहिबा। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे। शाबाश, बहुत खूब, क्या बात है आरिफ। अब्बा सलीम से कह रहे थे, बेटा स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? जी अब्बा। एक दिन की बादशाहत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख जीलानी बानो, उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, राजेश आहूजा, प्रवीण शर्मा, गीता वर्मा, आकाश और श्रेयस, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।